क्या आप फॉरेन के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एडिशनल रेजिडेंसी खरीदना चाहते हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट आपका टारगेट है? अगर हाँ तो आप सही जगह आए हैं। मैं हूँ वैभव एंड वेलकम बैक टू आवर बीची लाइफ। केमैन आइलैंड्स, द फ्रेंडलीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स सिक्स्थ लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, और ये सारे एडवांटेजेस जो आप देख सकते हैं, दिस मेक्स केमैन आइलैंड्स द इजीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू डू बिजनेस। पर आप सोच रहे होंगे why only Cayman? There are other countries too offering citizenship and residency programs. In Caribbean we have Saint Lucia, Anguilla, Saint Kitts, Antigua and Barbuda. ये सब countries tax free हैं। पर infrastructure, policies, networking opportunities, diversification की बात की जाए तो Cayman is a lot better. On a global perspective, countries like Spain, Malta, Greece, Ireland, Portugal offer residency programs, but in this video we will be only focusing on Cayman Islands. 2017 में जब बाकी Caribbean programs struggle कर रहे थे investors के लिए under the Caribbean Basin Initiative Trade Program, Cayman Islands kept a low profile और जानबूझ के अपने आप को regional price war की competition से बाहर कर लिया simply by doubling the minimum investment for some of its investment options. Unlike many other Caribbean programs, the Cayman Islands does not simply offer a second passport in exchange for a donation. Instead, it provides residency opportunities. But there are ways to get a British Overseas Territory passport and eventually a British passport. इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं Cayman Islands के residential permits. Cayman Islands have two types of residency permits. याद रहे हम ये वर्क परमिट की बात नहीं कर रहे हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट वी आर डिस्कसिंग इज ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। फर्स्ट वन इज टेम्पररी रेजिडेंस परमिट, जो है 25 साल का रेजिडेंस परमिट। अधिकतर 2 साल, 5 साल या 10 साल के वर्क परमिट इश्यू करे जाते हैं इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने दुबई के गोल्डन वीजा के बारे में तो बहुत सुना होगा। द सेकेंड वन इज द परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम। एज द नेम सजेस्ट, यू कैन स्टे अलॉन्ग विद योर फैमिली एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। और इन दोनों प्रोग्राम्स में ही ऑप्शन है, आप अपनी फैमिली को भी साथ में ला सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप टेम्पररी रेजिडेंस परमिट में इंटरेस्टेड हैं। ये एक 25 साल का रेजिडेंस परमिट है, ये रिन्यूएबल है। इसकी कंडीशंस ये है कि 30 डेज आपको ऑन आइलैंड रहना है एनुअली हर साल। रिगार्डलेस आप ये एक महीने में 30 डेज पूरे करते हैं, अराउंड द ईयर आप 30 डेज ब्रेक करके पूरा करते हैं। द सेकेंड कंडीशन इज इन्वेस्टमेंट इन द केमैन आइलैंड्स रियल एस्टेट मार्केट ऑफ $1.2 million. The third condition has a choice. The third condition is showing income of $145,000 or $480,000 in your Cayman bank account. इस प्रोग्राम की बस यही रिक्वायरमेंट्स हैं और आप इसमें अपनी फैमिली के साथ 25 years के लिए इस आइलैंड पे रह सकते हैं। और ये एक रिन्यूएबल प्रोग्राम भी है। पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें पासपोर्ट कब मिलेगा? Cayman Island does not offer citizenship by investment, but they offer citizenship by residence. We will discuss it right after the PR program. अब हम temporary residence permit के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे permanent residence program के बारे में। अगर आपको permanent residency चाहिए Cayman Islands में तो ये कुछ requirements हैं। इसमें आपकी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है फ्रॉम 1.2 मिलियन टू 2.4 मिलियन। आपको 30 डेज इस कंट्री में रहने की जरूरत नहीं है, आप साल में सिर्फ एक दिन इस कंट्री में रह के जा सकते हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अगेन आपकी फैमिली को भी पीआर मिलता है, तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू यू। अगर आप चाहें यहाँ पे रहना तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं विद योर फैमिली। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो आपको 7 माइल बीच कॉरिडोर जैसे अच्छे एरिया में आलिशान विला मिल जाएगा। 5 साल बाद आप ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इन्वेस्टर्स हु अल्टीमेटली क्वालिफाई फॉर ब्रिटिश ओवरसीज सिटीजनशिप रिसीव अ ब्रिटिश पासपोर्ट। द ब्रिटिश ओवरसीज पासपोर्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग विथ मेनी कंट्रीज व्यूइंग इट एज इक्विवेलेंट ऑफ अ रेगुलर ब्रिटिश पासपोर्ट विच अलाउज वीजा फ्री ट्रेवल फॉर 185 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन शेंगेन एरिया। All this in just 5 years. Typically, after 12 months, after you get your BOT passport, आप British passport के लिए eligible हो जाते हैं. And that too without staying in UK and paying those hefty taxes. अब आप अपनी नई nationality के साथ Cayman Islands में ही अपना base continue कर सकते हैं, या फिर आप UK या फिर किसी और nation में अपना base expand कर सकते हैं। अगर आपका aim है British passport for ease of travel or the status that comes with the passport, ये option आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें PR मिल रहा है एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के पासपोर्ट के साथ 5 साल में, और इवेंचुअली आपको ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल रहा है। एक और एडवांटेज ये है कि कोई लिमिटेशन नहीं है प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने की।
बहुत सारे कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट की लिस्टिंग से ही आपको चूज करना होता है। ऐसे केसेस में आर्टिफिशियली प्राइस को इन्फ्लेट किया जाता है, सो दे ट्राई टू चीट यू इन अ वे कि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं फॉर द सेम प्रॉपर्टी जो वहाँ के लोकल्स या जो वहाँ के नेशनल्स हैं वो कम प्राइस में ले सकते हैं। और अक्सर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहते हैं और कभी कभार सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ही आपको ऑफर किए जाते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज यू कैन इन्वेस्ट इन देम। लेकिन केमैन में ऐसा नहीं है, ओपन मार्केट जैसी ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज यूज की जाती हैं। आप खुद इंडिपेंडेंटली अपने आप ब्रोकर के पास जाके चूज कर सकते हो प्रॉपर्टी और आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। तो विला के साथ साथ पीआर भी मिल जाएगा, ऑब्वियसली इसके लिए पैसा बहुत लगेगा। और यही बात सबको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि 5-6 साल बाद अगर आप कंट्री छोड़ के जाना भी चाहते हैं तो नोइंग दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस आइलैंड इन द वर्ल्ड, प्राइसेस आर गोइंग अप एंड अप। तो आप जिस भी प्राइस में आप भी खरीदोगे आपका वो बहुत अच्छे प्राइस पे रीसेल हो जाएगा, बिकॉज डिमांड इज रियली हाई इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इन केमैन आइलैंड्स करंटली एंड ओवर द इयर्स। तो अगर आप किसी भी वजह से मूव आउट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ह्यूज कैपिटल रहेगा जब आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करोगे या इवेंचुअली बेच दोगे, एंड यूजिंग दैट कैपिटल यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंग्लैंड, बिकॉज you are now a national of that country. So using that capital and your British nationality, you stand at a very strong position to expand your business anywhere else in the world. Cayman mein infrastructure rapidly grow kar raha hai. Top 5-star chains around the world are keeping an eye on Cayman market. Aur agar aap land mein interested hain to wo bhi open market prices mein available hai. Rahi baat agar aap Cayman mein rehna chahte hain for these 5 years ya fir 25 saal ke liye, so let me tell you that Cayman has बेस्ट इन क्लास हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर बहुत अच्छा है यहाँ पे, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं, सेफ एनवायरमेंट है, एडुकेशन बहुत अच्छी है, आपको ब्रिटिश करिकुलम भी मिल जाएगा, अमेरिकन करिकुलम भी मिल जाएगा, और डेफिनेटली यहाँ से कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज बहुत कम डिस्टेंस में है। तो अगर आप चाहें अपने बच्चों को हायर एडुकेशन वहाँ देने के लिए तो यू कैन ईजिली डू दैट। और इन टॉपिक को टच बेस करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है ऑलरेडी, तो आप वो भी देख सकते हैं आई बटन क्लिक करके। इन शॉर्ट हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाएगी आपको इन द कैरेबियन रीजन, दैट इज रेस्ट अश्योर्ड। बट ऑब्वियसली अगर आपके पास इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, सो यू कैन कंसीडर दीज प्रोग्राम्स। इस तरह से आप अपना बेस एक्सपैंड कर सकते हो, अज्यूमिंग यू आर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड यू हैव ऑलरेडी एक्सपैंडेड योर बिजनेस इन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ एंड अफ्रीका रीजन। कैरेबियन रीजन में इन्वेस्ट करने से आप अमेरिकन मार्केट को इजीली टारगेट कर सकते हो। Again, that completely depends on your strategy, how you target your customers and definitely your product or service. अगर आपको लगता है कि लोग यहाँ बोर हो जाते हैं क्योंकि बहुत छोटी सी आइलैंड है, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ लोग बोर हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक बड़ी सिटी से आए हैं या एक बड़ी कंट्री से आए हो तो आप डेफिनेटली बोर हो जाओगे। बट केमैन आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 3 आइलैंड्स, सो विदाउट एग्जिटिंग द कंट्री यू कैन ट्रेवल टू द सिस्टर आइलैंड्स। सो ग्रैंड केमैन इज द बिगेस्ट आइलैंड, सो आई एम अज्यूमिंग यू विल बी इंटरेस्टेड इन लिविंग हियर। But you can go to the sister islands, which are Cayman Brac and Little Cayman. ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो आप बाई सी भी ट्रैवल कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू कैन फ्लाई। और अगर आपको इंटरनेशनल ही ट्रैवल करना है तो मायामी इज जस्ट 90 मिनट्स अवे। आई होप यू गॉट ऑल योर आंसर्स फॉर हाउ टू लिव इन केमैन आइलैंड्स बाय इन्वेस्टमेंट एंड इवेंचुअली गेट अ ब्रिटिश पासपोर्ट। अगर आपके पास कोई और रेजिडेंसी या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप उन 5% लोगों में से हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। और अगर आप उन बाकी के लोगों में से हैं जो वीडियो देख तो लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी इस सर्कल को क्लिक करो और सब्सक्राइब कर लो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो अ बेटर रेजिडेंसी प्रोग्राम दैट माइट हेल्प दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।